सेंट थॉमस स्कूल शिमला, एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी। देखिए वो नोटिफिकेशन निकाले, हमारी सरकार ने कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं निकाला लगाया था। हमारी टैक्स हमारी गवर्नमेंट के दौरान सिर्फ इतना ही हुआ था, शिमला कॉरपोरेशन के सिलसिले में एक फैसला ये लिया था जो वाटर चार्जेस की इंक्रीज करने के लिए अगर कॉरपोरेशन उसको पारित करे तो 10% जो है वो इंक्रीज करने के लिए उस पर प्रावधान रखा था। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई फैसला ऐसा नहीं था कि भी उसमें गवर्नमेंट तय करेगी, लेकिन वो कॉरपोरेशन के उस पर छोड़ा था। लेकिन इसके अलावा तो कोई इस तरह की बात नहीं है। सर, हेल्थ सेक्टर को भी मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरा सरकार इसकी जिम्मेदार है। मैं इस बात को तुम इसलिए मैं आज सारी चीज़ को लेकर के प्रमुख रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आपने आते ही बहुत सारी घोषणा की थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और ख़ास तौर से आपने कहा कि जो रोबोटिक सर्जरी को हम प्रमोट करेंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम जो है वो यहाँ पर पैट स्कैन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, वो एक मजाक का विषय भी बना था, अभी तक आईजीएमसी में भी लग नहीं पाया है। हमारी सरकार ने उसकी शुरुआत की है और वो काम अभी इन प्रोसेस है, मुझे लगता कि पूरा होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ। उसके बाद हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनको कहा था, बाकी तो आप छोड़िए, जो इमरजेंसी है इमरजेंसी में सुविधाएं देने के लिए जो एक बेड पर 3-3 पेशेंट होते हैं उस पर क्या किया। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था आईजीएमसी में, यही स्थिति थी, एक बेड पर 2 मरीज, एक बेड पे 3 मरीज, ये स्थिति वहाँ पर। यानी कि आईजीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल जहाँ जो शिमला में हमारा बिल्कुल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान एक तरह का है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितनी भी बातें उनने कही थी, एक एक बात को लेकर के प्रगति आज की तारीख में 2 साल बीतने के बावजूद भी शून्य है। हिमाचल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां आगे बढ़ रहा था उसमें और पीछे हुआ है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आदरणीय मोदी जी की देन है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के जो है 3 मेडिकल कॉलेज हमारे चंबा, नाहन और हमीरपुर का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इस बात को लेकर के हमेशा दावेदारी करते कि ये हमने ही किया है, हमने ही किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर सबसे खराब दौर में से गुजर रही है तो वर्तमान सुक्खू जी की सरकार में गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।